नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग भी बैंकों में लॉकर फैसिलिटी लिए हुए या फिर फ्यूचर में लॉकर फैसिलिटी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RBI बैंकों में लॉकर फैसिलिटी के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को सभी नियमों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे सेफ डिपॉजिट लॉकर संबंधित आप लोग को ये अनाउंसमेंट यानी कि ये सर्कुलर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो ये सर्कुलर ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये 18 अगस्त 2021 का ये सर्कुलर आया हुआ है और ये जो नियम है वो सभी प्रकार के बैंकों के ऊपर लागू होता है, यानी कि ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ऑल कोऑपरेटिव बैंक, ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल पेमेंट बैंक एंड ऑल लोकल एरिया बैंक, यानी कि इंडिया में जितने भी प्रकार के बैंक हैं सभी बैंकों पे ये नियम लागू होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नियम की। तो RBI के नए रूल के हिसाब से प्राकृतिक आपदा या फिर एक्ट ऑफ गार्ड में आपका भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली, आंधी तूफान के मामले आ जाते हैं। तो इन सब कारणों से अगर कोई भी नुकसान लॉकर को होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बैंक को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा जिस परिसर में लॉकर रखा गया है उसकी भी जिम्मेदारी पूरी तरीके से बैंक की ही होगी, यानी कि एक्ट ऑफ गार्ड में जितने भी प्रकार के मामले आ जाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, आसमानी बिजली, आंधी तूफान के कारण अगर आपके लॉकर को कुछ भी क्षतिग्रस्त होता है, आपके लॉकर को कुछ भी नुकसान होता है, तो उसके लिए बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेकेंड रूल की। तो रिजर्व बैंक के नए नियम के हिसाब से बैंक में आग लगने, चोरी होने या फिर किसी भी प्रकार से बैंक की जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाती है, इमारत ढह जाती है या फिर बैंक के कर्मचारियों के द्वारा कोई भी लापरवाही होती है, धोखाधड़ी होती है, तो उनके कारण अगर आपके लॉकर में कोई भी दिक्कत या फिर क्षतिग्रस्त होता है आपका लॉकर, तो उसके लिए बैंक को बड़ी भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इसके लिए जितना भी आप लोग जो लॉकर फैसिलिटी आप लोग लिए हुए हैं उसका जितना भी एनुअल रेंट यानी कि वार्षिक किराया आप देते हो उसका 100 गुना पेनाल्टी बैंक को देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई किसी भी बैंक में लॉकर फैसिलिटी लिए हुए हैं और उसका एनुअल रेंट आप लोग 1000 रुपये दे रहे हैं, तो अगर बैंक में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, इन सब मामलों में अगर आपके लॉकर को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो 1000 रुपये का आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करीब 1 लाख रुपये बैंक को कस्टमर को देने पड़ेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थर्ड रूल की। तो RBI के न्यू रूल के हिसाब से अगर कोई भी कस्टमर लगातार 3 सालों तक यानी कि कंटिन्यू 3 ईयर्स तक अपने लॉकर फैसिलिटी के लिए कोई भी किराया यानी कि रेंट नहीं देता है तो बैंक इस पर एक्शन ले सकता है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी लॉकर को खोल सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोग लॉकर फैसिलिटी किसी भी बैंक में लिए हुए हैं तो उसका जो एनुअल रेंट होता है वो आप लोग एनुअली देते रहें। हालाँकि एनुअली न देने पर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन लगातार कंटिन्यू 3 ईयर्स तक अगर आप लोग कोई भी एनुअल रेंट नहीं दिए हैं तो फिर इसके ऊपर बैंक एक्शन ले सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फोर्थ रूल की। तो RBI के नए नियम के हिसाब से बैंकों में अब आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध हथियार, अवैध सामान या फिर गैरकानूनी या फिर खतरनाक सामान आप लोग नहीं रख सकते। इसके अलावा RBI के न्यू रूल के हिसाब से बैंकों के लॉकर ऑपरेशन का SMS और ईमेल दोनों ही कस्टमर को भेजना जरूरी होगा। बैंकों को लॉकर आवंटन के सभी आवेदनों के लिए रसीद भी देनी होगी। अगर बाय चांस बैंकों में लॉकर फैसिलिटी नहीं यानी कि जिस समय आप लोग जा रहे हैं उस बैंक में लॉकर उपलब्ध नहीं है तो बैंकों को अपने कस्टमर्स को वेटिंग लिस्ट का नंबर भी देना पड़ेगा। बैंकों के ब्रांच वाइज लॉकर अलाटमेंट की जानकारी और वेटिंग लिस्ट को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बैंक के जो प्रेजेंट टाइम के ग्राहक यानी कि मौजूदा ग्राहक जिन्होंने लॉकर सुविधा के लिए आवेदन किया है और जो CDD यानी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मानदंडों का पूरी तरीके से अनुपालन करते हैं उन्हें सेफ डिपॉजिट लॉकर या फिर सेफ कस्टडी आर्टिकल की सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ ही अगर बाई चांस बैंक में जो लॉकर है वो पूरा बैंक ही अपना ब्रांच अपना किसी एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करता है या फिर लॉकर को एक
स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो जानकारी है, नॉलेज है, वो पहले ही अपने कस्टमर को देनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई शिफ्टिंग किसी भी प्रकार की बैंक ब्रांच की होती है या फिर लॉकर की होती है तो शिफ्टिंग से पहले ही अपने कस्टमर्स को, बैंक को इस चीज़ की जानकारी देनी होगी कि हाँ, हम अपना लॉकर या फिर जो बैंक ब्रांच है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा है। अगर आप लोग को इन नियमों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर ये सर्कुलर पूरा आप लोग रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को इस नियम में कुछ भी समझ में ना आया या फिर कोई अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।